सीरियल देखी थी? नहीं। आज मम्मी क्या बनी है? हम देखे थे। क्या देखी थी? आज मैं क्या बनी हूँ? तो दोस्तों देखिए, यहाँ 2 बजे के बीच में आज मेरे यहाँ अंधेरा छा गया, रात हो गया दिन में ही। देखिए 2:29 हो रहा है। के पास पोछा लगा चुकी है और घर में भी पोछा लगा चुकी है। घर में सूख रहा है अभी तो पूरा लगा दिया। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना, आप सबको अच्छा लगेगा। आगे जो भी हूँ के लिए बस नमस्ते, बस नमस्ते, लाइक को से कम का प्लीज मत लेकिन करिया कर दो। तो दोस्तों यहाँ पर पोछा लगा रहे हैं, सुबह का टाइम है। यहाँ पर बर्तन धुल के रख दिए हैं और अभी बनाना बाकी है। तो पहले बर्तन धुली, यहाँ पर पोछा लगा रहे हैं। तो अभी तो धूप निकला है, कभी तेजी बादल हो जाता है, कभी धूप हो जाता है, इसी तरह चल रहा है। तो हमारी ज्योति दीदी कल वाले कमेंट में बोली हैं, दीदी मेरा कल जन्मदिन है तो मेरा नाम लेना वीडियो में। तो ज्योति दीदी मेरे तरफ से हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन का ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपको हमेशा खुश रखें, आपको लाखों खुशियां मिले, जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। जय माता दी। तो दोस्तों यहाँ पर दाल, चावल और चाय बना दी हूँ और यहाँ सब्जी काट रहे हैं। बच्चे सब तैयार हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए गोभी कुछ इस तरह बिल्कुल ताजी गोभी है और चाय हमारा उबल रहा है। यहीं पे डाल देते हैं दूध को। तो दूध डाल दिए हैं चाय में, चाय हमारा पक रहा है। तो दोस्तों दाल हमारा पक गया है। दाल में भुना जीरा और भुना मिर्च डालने के लिए यहाँ पीस रही हूँ। तो ये भुना जीरा है, काली मिर्च दाल में अच्छा लगता है, जो सादा वाला दाल बनता है। जीरा काली मिर्च को डाल देते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। चाय हमारा पक गया है। तो अभी सब कंघी कर रहे हैं बाल में, यहाँ पर सबका चाय छान देते हैं। तो इसे 5 चाय निकालना है, गिलास में ज़्यादा छानो तो अभी हम कम कर देंगे। तो सबका चाय निकाल दी हूँ, अपना बाल बांध के सब लोग आकर पियेंगे। तो यहाँ पर शीतल का बाल बांध रही हूँ, चाय छान दी हूँ। आज बोली कि लेट हो रहा है, मेरा बाल बांधो पहले। तो यहाँ बाल बांध रही हूँ। अंजलि स्वेटर पहन रही हैं। तो यहाँ पर सब लोग चाय पीने में लग गए हैं। अभी हमें सब्जी तड़कना है, रोटी हमारा बन गया है, चावल थोड़ा गीला हो गया है तो आज उसको ढक के नहीं रखे हैं। तो यहाँ सब चाय पी लीजिए। तो पी रहे हैं। तो आज ये मिर्ची जो साजी थी और रोटी खा कर जाएंगे, दाल बना है उसको नहीं खाना है इनको। तो यहाँ सब लोग तैयार हो गए हैं, अब सब लोग स्कूल जा रही हैं। अंजलि जा रही हो? तो सब जा रही हैं, हम सब जा रहे पढ़ने। तो सब लोग स्कूल जा रही हैं, अब मैं घर पे अकेली रहूंगी। अंजलि खाना ली, टिफिन ली? तो दोस्तों बच्चे तो स्कूल पे जा रहे हैं पढ़ने, अभी आ जाएंगे 3 बजे। तो थोड़ा क्लिप शूट करेंगे आगे का वीडियो और दिखाएंगे आप सबको। और देखिए कुछ इस तरह घर है और बदली तो छाई हुई है, यानी पानी कब बरसने लगे, कब आ जाए बादल कोई पता नहीं। और हमारे यहाँ दोस्तों फसल का नुकसान बहुत हो गया है और ओला पड़ा है, जो बर्फ़ की तरह रहता है। तो कल तो बर्फ़ भी गिरा है रात में। तो दोस्तों देखिए यहाँ 2 बजे के बीच में आज मेरे यहाँ अंधेरा छा गया, बिल्कुल अंधेरा है, घर में भी धुंधला हो गया, जैसे लग रहा है ये रात का वीडियो। अंजलि इधर देखो, तो यहाँ पर अंजलि लिख रही है रात हो गया दिन में ही। देखिए 2:29 हो रहा है, यहाँ पे बारिश हो रहा है, गुंजन शीतल भीग रही हैं। तो यहाँ पर बारिश हो रहा है, गुंजन शीतल देखिए भीग रही हैं दोनों, यहाँ पर आ रही हैं। तो
तो दोस्तों आज हमारे यहाँ देखिए कुछ इस तरह बारिश हो रहा है बहुत तेज़ी से यहाँ पर, और बहुत बारिश हो रहा है तो यहाँ पर, यहाँ केरा लाकर रखे हैं, यहाँ पर शीतल खड़ी है, अंजलि यहाँ पर खड़ी है, नाच रही है बारिश में, पानी सब टपक रहा है, पल्ली फिर फूट गया, देखिए पानी यहाँ घर में आ रहा है। भेज जाबो रहा दियो जाए कच्चा पहने तो यहाँ पर बता रहे हैं छत पे चढ़ने के लिए मत जाओ नहीं बुखार रख लेगा, तब पूरे घर में पानी आ रहा है। तो कुछ इस तरह देखिए घर में पानी बहकर आ रहा है, यहाँ पर पानी पानी है सब, और यहाँ पर कॉपी भीग जा रहा है, ड्रेस भीग रहा है, देखो पूरा घर में पानी पानी आ गया, ये घर में पानी चू रहा है, टपक रहा है। तो दोस्तों अभी आगे क्लिप में आप सबको दिखाई, बारिश हो रहा है, पानी बहुत तेज़ी से बरस रहा है, पूरे कमरे में पानी यहाँ टपक रहा है, और इधर का भी आप सबको दिखाई, पता नहीं ये दिन हम सबको कब नहीं देखना पड़ेगा, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, सब भीग जा रहा है, जिस तरह किसी तरह बचाए हैं पूरा घर में पानी, तो यही हाल है। और पानी बारिश तो अब भी पानी का बारिश देखिए कुछ इस तरह हो ही रहा है। तो यहाँ हम सब केला पर बादल उड़ के जा रहा है, उधर केला ला रहे हैं, और देखिए किस तरह बदली छाई हुई है पूरा बारिश, बादल ऐसे जा रहा है। तो दोस्तों ये लाल दवाई है, बिना दवा लगाए केला पकेगा नहीं, और इसी तरह आप सब जो मार्केट दुकान से लाते हैं वो भी दवा लग के ही आता है। मैं काट रही हूँ, अच्छा बच्चा हुआ। तो ये डंडा अंजलि की पिटाई करने के लिए रख लेते हैं, बहुत उजड़ी करती है। तो ये लाल दवाई जो है पानी में मिला रही हूँ, देखिए पानी का कलर किस तरह हो जा रहा है, ये शायद केमिकल हुई होता है इस दवाई में, डाल देंगे, अच्छे से दवाई लगाना है। टंकी में बोरा डाल दी हूँ, तो यहाँ केला रख रहे हैं, ये करीब एक हफ्ता लग जाएगा पकते। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह हमारा केला रख गया बाल्टी में, पानी का छिड़काव कर दी इसको अच्छी तरह से, आंधी आ गया प्यार, बहुत तेज से हवा चल रहा है। तो यहाँ पर टंकी बंद कर दी, अब इस टंकी को चंदन ही ले जाएंगे। तो दोस्तों चल रही हूँ खेत में गेहूँ देखने, गेहूँ गिर रहा है कि नहीं, खेत में आ गए हैं, और आप सबको आज मौसम दिखाने आए हैं किस तरह ठंड के मौसम में बादल सब चारों तरफ छाया हुआ है, देखिए जैसे सावन भादों का दिन। यहाँ पर देखिए हमारा गेहूं कुछ इस तरह है, बीच में कहीं कहीं गिर गया है जहाँ चूहे गेहूं में लगे हैं, और इधर वाला गेहूं भी गिर गया है देखिए। तो हमारी एक दो बहन बोलती हैं संगीता आप सर पे पल्लू क्यों नहीं रखती हो खेत में जाती हो, तो सर पे पल्लू रखने का मतलब यह होता है कि कोई मेरे यहाँ ससुराल में बड़े हमसे जो जेठ ससुर बड़े नंदोई ये सब यही रिश्ते से लोग पल्ला करते हैं, बाकी तो जब कोई यहाँ पर दिखता ही नहीं, देखिए इतने दूर में कोई दिख ही नहीं रहा है, तो किससे शर्म किससे लाज करूँ कि सर पे पल्लू रखूँ, तो क्या पेड़ पौधे से छिपूँ। और जब सोशल मीडिया पे हैं दोस्तों तो कितना बराव करेंगे, अब किसी दिन आप सबको ये अच्छा लगेगा, किसी दिन इसी तरह मैं घूंघट बनाऊंगी, अब चंदन वीडियो बना रहे हैं दिखा रहे हैं, देखिए खेत में ये अच्छा लगेगा आप सबको। अंजलि मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही। अंजलि को अच्छी लग रही है। तो देखिए इसी तरह पल्लू मैं करूँ और इसी तरह मैं वीडियो बनाऊंगी तो आप सबको अच्छा लगेगा, बताना आप सब, तो मैं डेली बनाऊँ। तो आज मैं पल्लू की हूँ, देखिए आज आप सब देखने को नहीं पाओगे, तो
चंदन कैमरा के पीछे हंस रहे हैं। आज हमें ससुराल में आए हुए 15-16 साल हो गया होगा, जो भी होगा, लेकिन बाहर जब कहीं जाते हैं चौराहे पे, आप सब देखना, सर पे पल्लू रखते हैं, और गांव में जब कोई दिखता ही नहीं, और जो दिखते हैं कोई बेटा लगता है, कोई देवर लगता है, बस यही रिश्ते में। और जो बड़े हैं शहर में चले गए, और जो ससुर थे वो ऊपर चले गए स्वर्गवास वहाँ। अब चलते हैं यहाँ से, बारिश होने लगा दोस्तों, आप सबको दिखाई, आप सबको हंसी भी आया होगा, आज मैं घूंघट में थी। अब इसी तरह अगर करके चलूँगी तो गांव वाले भी हंसेंगे। अब चलते हैं, अंजलि अंजलि भी घूंघट कर ली, तो यहाँ से निकलते हैं। सब आगे आगे चल रहे हैं, देखना आप सब किसी को, आप सब देख रहे हैं, यहाँ कैमरा दिखाओ करना, कोई नहीं दिख रहा है, तो यही अंजलि का दिखाओ नकल करने के लिए माहिर है। तो यहाँ से निकलते हैं, बारिश हो रहा है, भैंस आप नहीं देख पा रही हूँ, और तो अभी गुंजन शीतल को देखना, मैं आ गई घर पे गुंजन कैसा लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ। हम कैसे लागी था? तो आज गुंजन देखी थी हमें कभी ऐसा? नहीं। शीतल देखी थी? नहीं। आज मम्मी क्या बनी है? हम देखे थे। क्या देखी थी? आप सबको देख रही हूँ, देखिए। तो यहाँ पर आप सबको दिखाई, अब चलते हैं घर का काम करते हैं, खाना बनाते हैं। और दोस्तों बारिश बिल्कुल तंग कर रखा है, हमेशा बारिश बारिश आज 2 दिन से हो रहा है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कल वाले वीडियो में कमेंट एक भैया किए थे, बोले थे संगीता अब आप कमाने लगे हो, तो ऐसा कोई बात नहीं है भैया, जो 2-4 पैसे कमाई होता है इधर आता है इधर चला जाता है, दवा में ही सारा पैसा एडजस्ट हो जा रहा है, दवा भी सही से नहीं हो पा रहा है इलाज, और भगवान माता रानी के भरोसे, आप सबके भरोसे किसी तरह हमारा भी जीवन पार हो जाएगा, तो आप सब दुआ करना। आगे भी तो आगे वीडियो में देखे हैं आप सब, देखिए टीन साइड तो है, छत लग ही नहीं पा रहा है, सोचे थे क्या क्या हो गया, तो सारा पानी गिरता है इधर उधर, सब बिस्तरा सब भीगा हुआ है, तो यही सब हाल है। वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते।